देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत, मैं हूं आपके साथ गुलविश। चुनाव नजदीक है और ऐसे में हम लोगों से जाके पूछ रहे हैं कि वो किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं। क्या वो चेहरे पे वोट करेंगे, क्या वो नाम पे वोट करेंगे, क्या वो पॉलिसीज पे वोट करेंगे या उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे वोट करेंगे। तो बोल भारत बोल में हम आज आ पहुंचे हैं इंटेलेक्चुअल तबके के पास। पढ़े लिखे लोग आखिर क्या सोचते हैं, देश कहाँ जा रहा है, क्या सही पॉलिसीज हैं, क्या सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर्स से। तो बोल भारत बोल में आज हम आ पहुंचे हैं डॉक्टर्स के बीच। तो पढ़ा लिखा तबका क्या सोचता है देश की पॉलिसीज के बारे में और सबसे ज़रूरी हेल्थ सेक्टर के बारे में, इसलिए आ पहुंचे हैं हम डॉक्टर्स के बीच, जिनसे हम बात करेंगे कि इस बार किन मुद्दों पर वो वोट करेंगे और जो हेल्थ सेक्टर है वो उसकी इस समय स्थिति कैसी है, डॉक्टर्स के नज़रिए से हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अंशुमान जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, साथ में जुड़ी हुई हैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जो कि इंटरनल मेडिसिन है, उनसे हम बातचीत करेंगे। और भी मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे। जुड़ी हुई हैं डॉक्टर निशा खन्ना जो कि पेशे से साइकोलॉजिस्ट हैं, स्वागत है आपका। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर राखी अग्रवाल जो कि पेशे से साइकोलॉजिस्ट हैं। तो तमाम डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनको क्या लगता है कि हेल्थ सेक्टर इस समय कहाँ स्टैंड करता है और किन किन चीज़ों पर काम हुआ है, किन किन चीज़ों पर काम होना बाकी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं रुक करूँगी डॉक्टर अंशुमान का, उनसे हम बात करेंगे। सर एक बात बताइए, पिछले 10 साल में आपको क्या लगता है हेल्थ सेक्टर में कितने बदलाव हुए हैं, कितने चेंजेस आए हैं, एज अ डॉक्टर आप क्या बताएंगे? देखिए 10 साल कहना वो उचित नहीं होगा, बदलाव कुछ शुरुआत अच्छी हुई है, खासकर कोविड ने झटका जो दिया है, कम से कम लोगों के दिमाग में स्वास्थ्य एक प्राथमिकता नजर आने लगी। हाँ, कुछ चीज़ें बनी हैं जिसमें आप कह सकते हैं एम्स बना, लेकिन एम्स नहीं बना है, एम्स की बिल्डिंगें बनी हैं। एम्स बनना मतलब फंक्शनल एम्स चाहिए होता है, वो नहीं बना है। जीडीपी का सिर्फ अभी 2% स्वास्थ्य बजट पे है, वो कम है। उस हेल्थ बजट का 0.6% प्रिवेंटिव हेल्थ पे है, बहुत कम है। रिसर्च को 1.2% कम है, इस पे इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। एक चीज़ जो इस बजट सेशन में पेश हुआ कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन को फ्री लगाया जाएगा, ये बड़ी अच्छी पहल है। तो एक आप कह सकते हैं कि मिक्स है, अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है और स्पेस बहुत है। एटलीस्ट हेल्थ बजट को 5% ऑफ द जीडीपी करें, रिसर्च और प्रिवेंशन पे काम करें ताकि हेल्थ सेक्टर पे लोड कम हो, इसकी अभी आवश्यकता है। सर जब बीजेपी आई थी तो ये कहा था कि कोई काम नहीं हुआ हेल्थ सेक्टर में, और तो आपके लिहाज से क्या इतने सालों में क्या काम हुआ है, क्या चेंजेस में जाती हूँ बताएं, चेंजेस क्या आए हैं? देखिए ऐसा कहना कि कोई काम नहीं हुआ है ये उचित नहीं होता है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास खाने के लाले पड़े थे, उस समय से जो डेवलपमेंट हुआ एम्स उसके पहले का है, कई मेडिकल कॉलेज उसके पहले के हैं, ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि कोई काम नहीं हुआ, काम उसके बाद ही हुआ ऐसा नहीं है। हाँ, उसी कॉन्सेप्ट को रेप्लिका को आप 16 एम्स बनाने के लिए आगे बढ़े हैं, तो पहले जो एम्स दिल्ली है उसको दुरुस्त कर लिया जाए, उसमें वेटिंग लिस्ट कम हो और उसमें डॉक्टरों की, ये आपने बहुत वायबल पॉइंट उठाया है आपने, वेटिंग लिस्ट। तो कितने नए हॉस्पिटल्स खुले हैं अभी? जी हॉस्पिटल्स खुले हैं, मैंने बताया कि वो फंक्शनल नहीं है अभी, ये पार्लियामेंट्री रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो पहले फंक्शन करें, जितने खोलने से बिल्डिंग बनाने से नहीं होगा, और मरीजों की वेटिंग डिसेंट्रलाइज करें, विकेंद्रीकरण स्वास्थ्य व्यवस्था को, मेजर इलाज के लिए कैंसर के लिए हार्ट के दिल्ली मुंबई क्यों जाना पड़ेगा, छोटी जगह पर इलाज हो सकता है, ये संभव है। नीति निर्धारण साइंस के द्वारा हो ना कि पॉलिटिशियन के द्वारा हो, पॉलिटिशियन अपने कुछ फेवरेटिज्म कुछ वोट के लिए कर सकते हैं, साइंस कभी ये नहीं मानता, साइंस कहता है जो रिप्रोड्यूसिबल हो, फैक्ट हो, एविडेंस बेस्ड हो, वही करो। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए हम क्योंकि ये इलेक्शंस का मौका है, तो ऐसे में हम यहाँ पर डॉक्टर्स से ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर वो किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति हैं, उनसे बात करेंगे, आप किन मुद्दों पर वोट करेंगी? देखिए पहली बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर हम पिछले 10 साल के ग्राफ को देखें तो मेरा मानना ऐसा है कि जितनी तवज्जो अभी हेल्थ को दी गई है पिछले 10 साल में, शायद पिछले जितनी भी सरकारें रही और वर्ष रहे उनमें उतनी प्राथमिकता के साथ सेहत को कभी नहीं लिया गया है। अगर आप देखें तो आयुष्मान वेलनेस सेंटर्स 1.5 लाख के करीब भारत में बनाए जा चुके हैं, आयुष्मान भारत जो कि
पीएम योजना है वो बहुत अच्छे से चल रही है, कितने लोगों तक उसका फायदा जो है पहुंचाया जा रहा है। अभी आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी उसके दायरे में लिया गया है, जैसे आपने अभी इंटरिम बजट में देखा था। वहीं अब आप देखें तो लोगों के पास एक ऐसी सुविधा है कि वो फ़ोन करके जो भी उनको दिक्कत परेशानियाँ आ रही हैं उनके बारे में जानकारियाँ ले सकते हैं, किसी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। और अगर अब आप देखें तो जिस तरह से पहले जो हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स थे, रूरल सेटअप था, वहाँ तक कभी भी स्वास्थ्य सेवाएं पहुँच नहीं पाती थी, लेकिन कोविड को हमने जिस तरह से हराया है और जिस तरह से कोविड के लिए सरकार ने पूरे तरह से इंतजाम किए हैं, उससे अब हम बहुत अंदर अंदर तक पहुंच चुके हैं। आपने देखा भी था कि तो आपको लगता है कि कोविड को पार करके, नदियों को पार करके किस तरह से वैक्सीन पहुंचाई गई है। और देखिए, इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि सरकार पहली बात सेहत को प्राथमिकता दे रही है, जितनी देनी चाहिए कि उतनी दे रही है। देखिए, एक चीज़ होती है, एक हम बोलते हैं कि हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ हेल्थ डिटर्मिनेंट्स होते हैं कि आपका सैनिटेशन कैसा है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, क्या आप न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हैं, यानी कि पोषण माह चलाया जाता है, पोषण अभियान इस वक्त सरकार चला रही है। तो बहुत सारे ऐसे डिटर्मिनेंट्स होते हैं जिन पे अगर आप काम नहीं करेंगे और केवल स्वास्थ्य पर काम करेंगे तो आपकी स्वास्थ्य कभी अच्छी नहीं हो सकती। अगर साफ पीने का पानी और साफ खाना आपको नहीं मिल रहा है तो आप कैसे स्वस्थ होंगे। तो सरकार उन पहलुओं पर भी काम कर रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है। चलिए, बिल्कुल, मैं सारे एक पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ कि देखिए, पॉलिसीज तो आई हैं, पोषण वर्जन 2 इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन हंगर इंडेक्स में 125 में भारत 111 नंबर पे है। तो एज ए साइंटिस्ट, एज ए मेडिकल स्टूडेंट, एज ए मेडिकल डॉक्टर, हमें ग्राउंड रियलिटी पे रिजल्ट चाहिए, पेपर पे रिजल्ट नहीं चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए, यही यहाँ पे हम सवाल भी पूछ रहे हैं कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में ले, जो सारी पॉलिसीज बनती है उसको इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे आखिर किस तरह का सिनेरियो बना हुआ है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमारे साथ और भी डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे, मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके लिहाज से कितना काम हुआ है। देखिए, अगर हम देखें तो मैं किसी डेटा की बात ना करके एक्चुअल बैकग्राउंड पे बात करूँगी। तो अभी रिसेंटली हम सब ने जैसे अभी कोविड टाइम देखा, तो ये एक बहुत बड़ी, एक हमारी बहुत बड़ी जीत थी हमारी कंट्री की, कि जब हम वैक्सीन लगवाने कोई भी गया तो एक मोबाइल के क्लिक पे सारी सुविधाएं उपलब्ध थी कि आप कहीं से भी देख सकते हैं कहाँ पर वैक्सीन उपलब्ध है, कौन सा आपका सेंटर है। तो और इवन टेस्टिंग भी उन लोगों के लिए काफ़ी प्रोवाइड थी। इसके साथ साथ हमारे यहाँ बहुत सारी अब जो औषधियाँ हैं वो भी ऐसे केंद्र बन गए हैं जिसमें बिल्कुल GST नहीं, और लोगों को बहुत कम से कम खर्चे में दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं, घर पे फ़ोन पे मेडिसिन आ जाती हैं। तो अगर देखा जाए तो मैं बिल्कुल इस चीज़ से सहमत हूँ कि काफ़ी हद तक इसमें सुधार हो रहा है। हाँ, उतना नहीं कि जितना होना चाहिए, तो उसके लिए ऑब्वियसली कि जो हमारा बजट है तो वो एटलीस्ट 0.5% तो होना चाहिए, इस चीज़ को तो मैं कहूँगी। और हेल्थ सेक्टर के साथ साथ मैं यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगी, एज ए साइकोलॉजिस्ट जैसे अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में से कम 30% डिप्रेशन हमारे कंट्री में है। तो क्या रीजंस आप देख रहे हैं? हाँ, उसके बहुत सारे रीजंस ये हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे अलग अलग रीज़न होते हैं यहाँ पे, जैसे काफ़ी सारे रीज़न ये हैं। इंडिया में क्या है? इंडिया आपको में ये है कि जब से हम लोग सिटीजन से 1990 में हमारे यहाँ नेट आया, एंड्रॉयड आया, तो हम 1990 के बाद ये 34 साल की जो जनरेशन है ये अब सिटीजन नहीं, नेटिजन बन गई है जी, अब नेट वाली जनरेशन बन गई है। तो यहाँ पर पहले परिवार ना एक रिपेयर सेंटर होते थे, थेरेपी सेंटर होते थे, कि लोग बाहर से आहत होकर आए तो वो घर में खुद को संभाल लेते थे। लेकिन अभी देखें तो अभी बाहर रिपेयरिंग सेंटर हैं और कंपेरेटिवली घर में आते हैं, तो ये जो घरों में धीरे धीरे एक एक 34 ईयर्स में ना, कभी दादी दादा बाहर जी, कुछ जी, समय बाद। चलिए, बिल्कुल, यहाँ पे कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसपे जी बिल्कुल काम होना जरूरी है। यहाँ पे डॉक्टर निशा से बात करेंगे, आप बताइए कि आपके लिहाज से कितना काम हुआ है और आप किन मुद्दों पर वोट करेंगी इस बार? मैम, काम तो मेरे ख्याल से हर सरकार करती है, और मुझे लगता है पॉलिटिक्स में कभी गुड और बैड नहीं होता, इट्स ऑलवेज बिटवीन गुड एंड बैड एंड वर्स्ट। तो चॉइस इज बिटवीन बैड एंड वर्स्ट। पिछली सरकार ने भी काम किए, नई सरकार ने भी काम किए, पर मुझे लगता है क्योंकि कोविड के बाद मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ी फील्ड आई है सामने आकर, और स्पेशली टेलीमेडिसिन को लेकर कुछ पॉलिसीज बनी और मेंटल हेल्थ रजिस्टर्स बना काउंसलर्स के लिए, कुछ पॉजिटिव काम हुए हैं। अभी मेरे ख्याल से आज ही SP बघेल साहब ने एक स्टेटमेंट राज्यसभा में दिया है जिसमें उन्होंने बोला है कि 2030 तक हम चाहते हैं कि 10% रिडक्शन हो सुसाइडल रेट में।
मैम पॉलिसीज बन रही हैं, कितनी इम्प्लीमेंटेशन होगी, बात उन पर आती है। बिल्कुल, वो काम करने पर है। पेपर्स में जैसे 15 और एम्स खोलने की बात या 16 एम्स, वो भी कार्य चल रहे हैं, तो चलने में और उनका इम्प्लीमेंट होने में और प्रॉपर वो कैसे फंक्शनिंग करते हैं उसमें टाइम लगता है जी। और वो चाहे ये सरकार हो या कोई सरकार हो, अल्टीमेटली अगर पब्लिक का, पॉपुलेशन का वेलफेयर उनका एम है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो, बट मेरे ख्याल से फोकस अगर जनहित है तो मेरे ख्याल से सारे डॉक्टर्स, क्या दुनिया का हर इंसान जो है या हमारी हिंदुस्तान की हर जनता पब्लिक के वेलफेयर के लिए अगर बैठे हैं, और हम उम्मीद करते हैं अगर मोदी जी ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। अगर हम 2023 का डेटा देखें तो 13,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया एजुकेशन सेक्टर में। तो यहाँ पे मैं गवर्नमेंट से, आने वाली सरकार से एक चीज़ ज़रूर चाहूँगी कि जो भी एजुकेशन सेक्टर है वहाँ पर काउंसलर को रखना या इस डिपार्टमेंट को रखना इनफ नहीं है, उनका एक प्रॉपर फॉलोअप भी होना चाहिए कि उन्होंने कितने सेशंस लिए या उनका कितना परसेंट रेट है लोगों के साथ डील करने का या कितना इम्प्रूवमेंट आया, तो प्रॉपर ये भी होना चाहिए। क्योंकि आज के जो हमारे एजुकेशनल युवा हैं वही कल का भविष्य है, और उनके बढ़ते हुए सुसाइड रेट हमारे लिए बहुत ही चिंता कर रही है। बिल्कुल, तो यहाँ पर चिंताएं देखिए, हेल्थ सेक्टर की डॉक्टर्स को बुलाने का मकसद ये भी था कि हम जाने कि जो हेल्थ सेक्टर है वो इस समय कहाँ स्टैंड करता है, किन किन जगहों पे काम होने की ज़रूरत है, और मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पर है, क्या उस पर इतना काम किया जा रहा है, क्या उसको इतना एक्सेप्ट किया जा रहा है कि हाँ ये इशू है। यहाँ पर डॉक्टर अंजुमान, मैं अब आपके पास आऊँगी, आप किन पॉलिसीज को देख के वोट करने वाले हैं इस बार, किस किस क्या चेहरा देख के वोट करेंगे, क्या पॉलिसीज देख के वोट करेंगे, क्या देख के वोट करेंगे आप? देखिए, वोटिंग एक बिल्कुल ही अलग मुद्दा है। एज एन एक्सपर्ट मेरा कोई लेना देना उस वोट से नहीं है, जो वोट व्यक्तिगत तौर पे आप करते हैं। दूसरा आम सवाल होता है कि मोदी को वोट करेंगे, राहुल गांधी को वोट करेंगे, भाई आप किसे वोट करेंगे, मतलब क्या सोच के वोट करने वाले हैं? मेरी काशी है, मतलब वाराणसी है, दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी कैंडिडेट क्या है, वाकई क्या वो कैंडिडेट रेप्लिकेट कर पाएगा, रिप्रोड्यूस कर पाएगा हमारे ग्राउंड रियलिटी को? अगर कर पाएगा तो उसको वोट करेंगे, नहीं कर पाएगा नहीं करेंगे वोट एज एन इंडिविजुअल। बट एज एन हेल्थ एक्सपर्ट मैं ये चाहूँगा कि पार्टी की लड़ाई खत्म करें, गवर्नेंस पार्टी नहीं होती, गवर्नेंस में वो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पहुंचाए जाते हैं, जो भी रहे काम पब्लिक के लिए करे, अपनी पार्टी के लिए ना करे, जीतने के बाद, जीतने के पहले तक पार्टी के लिए काम करें, तब बेहतर होगा। बिल्कुल, तो आप तो आप चेहरे पे वोट नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, व्यक्ति विशेष में जब भी आपका अंधविश्वास आएगा आप मारे जाएंगे, और किसी भी देश के पतन का कारण वही। दूसरा, हर समय कहा था सचिव वैद्य गुरु तीन जो पिए बोला ही भयास, राज धर्म तन तीन करी कोई बेगही नास। तो वैद्य को तो कभी बोलना ही नहीं चाहिए किसी व्यक्ति विशेष के लिए। बिल्कुल, तो आप बताइए डॉक्टर स्वाति, आपसे पूछना चाहूँगी, आप किसको वोट कर, आप चेहरे पे वोट करेंगी, आप पॉलिसी से वोट करेंगी? अगर अगर हम मैं नाम लेके पूछूं तो अगर आप राहुल को वोट करेंगी तो क्यों करेंगे, और नहीं करेंगी तो क्यों नहीं करेंगे? देखिए, मैं भारत के विकास के लिए वोट करूँगी, और अगर अभी आप देखें भी धरातल की बात अगर हम करें, नीचे बैठे हुए लोगों की अगर हम बात करें कि किस तरह से उनका जीवन सुविधाजनक बनाया जा रहा है, किस तरह से उन तक सभी जो जीवन की ज़रूरतें होती हैं वो किस तरह से उन तक पहुंचाई जा रही है, अगर चाहे आप उस पक्ष को देखें या आप इस पक्ष को देखें कि भारत की छवि विश्व गुरु के रूप में किस तरह से उभर करके सामने आ रही है, किस तरह से हम अपने दुश्मनों के सामने डट के खड़े हैं, किस तरह से हम देश की इस वक्त देखें तो आप हर तरफ जो है विकास की एक लहर चल रही है। यहाँ पे डॉक्टर तानिया भी मौजूद हैं जो पेशे से गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर तानिया, आपको क्या लगता है हेल्थ सेक्टर कहाँ जा रहा है, और आप क्या चेहरे पर वोट करेंगी या पॉलिसी से वोट करेंगी, आप क्या सोचती हैं? एज अ यंग डॉक्टर तो मुझे ये लगता है कि पहले तो सबसे पहले जो डॉक्टर्स हैं उनका जो मेंटल स्ट्रेस है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली बात है बहुत सारे पेशेंट्स बढ़ते हैं, तो बीइंग अ डॉक्टर आई वांट कि जो आने वाले यूथ है उनके लिए भी थोड़ी रिलैक्सेशन हो, तो हमारे साथ साथ में हेल्थ सेक्टर में मेडिकल डॉक्टर्स पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है कि उनको भी सारी फैसिलिटीज़ मिले, कि उनको भी स्ट्रेस फ्री माहौल मिले, उनको भी कम वर्क हेक्टिक वर्कलोड कम मिले, तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो बेसिकली चेहरा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जो पीछे काम करने वाले लोग होते हैं, जो पॉलिसीज ला रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। लाइक अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिसी आई थी मोहल्ला क्लिनिक, वो काफ़ी अच्छी है, जैसे जो लोग दूर हॉस्पिटल में नहीं जा सकते या फिर छोटी बीमारी के लोग सोचते कि कोई बात नहीं हम घर में ठीक कर लेंगे, तो वो बाद में चल के कोई बड़ी रूप ले लेती है।
इसीलिए जो मोहल्ला क्लिनिक आया उसमें तुम्हें स्पेशलाइजेशन मिल जाती है, तुम्हें पता लग जाता है कि नहीं अगर हम चले जाते हैं छोटी भी चीज़ है तो लोग अब हिचकिचाते नहीं है, वो चले जाते हैं। तो जाने से उनको ये फ़ायदा हो रहा है कि दे आर गेटिंग अ राइट, उनको कंसल्टेशन मिल रहा है कि उनको राइट परस्पेक्टिव सुनने को मिल रहा है कि हाँ ये सही चीज़ है, तो वो अपने आगे फर्दर बड़े हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं। तो मोहल्ला और बाकी पॉलिसीज़ जो जो कही जाती हैं, कई पॉलिसीज़ हैं जो आयुष्मान वाली पॉलिसी है वो अच्छी पॉलिसी है, पर उसमें भी लूपहोल्स है। लूपहोल्स ऐसे है कि जिनको नीडी होते हैं उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाती। क्या लूपहोल्स की वजह से वो फ़ायदा सब लोगों तक पहुंच पाता है? पहुंच पाता, वही बात होती है कि फ़ायदा नहीं पहुंच पाता। जो नीडी लोग हैं उनको ये बोल दिया जाता है कि आपकी क्रिटिकल हेल्थ है, आप कहीं और जाके दिखा लो, आपको यहाँ पर सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने ये चीज़ बोली है, रिसोर्स अवेलेबल, मतलब अवेलेबल क्या जब आप जाते हैं कहीं पे रिसोर्सेज अगर नहीं होते तो आप क्या करोगे फिर पॉलिसी का? वही बात है ना कि रिसोर्सेज हमें अवेलेबल चाहिए, डॉक्टर्स पूरी मेहनत करने को तैयार है, दे आर लाइक वर्किंग पूरी अच्छे से कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास बेड अगर अवेलेबल नहीं होगा, अगर हमारे पास ओटी में अगर हमारे पास ज़्यादा टेक्नीशियंस नहीं होंगे या फिर हमारे पास सामान नहीं होगा तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे? मुद्दों पर तो बात होती है, तो क्या सभी मुद्दों पर बात हो रही है? क्या जो ज़रूरी मुद्दे हैं उन पर बात की जा रही है या उन पर बात नहीं हो रही है? डॉक्टर अंशुमान, धर्म को लेकर तो बहुत बात होती है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट को लेकर या जो और ज़रूरी चीज़ें हैं क्या उन पर उतनी बात होती है? जी बिल्कुल नहीं होती, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। देखिए धर्म व्यक्तिगत है, धर्म आपके घर तक होना चाहिए सिर्फ। जैसे आप कह सकते हैं कि अगर मैं पूजा करता हूँ आपको क्या दिक्कत है, तो उस पूजे को मैं चौक पे लगा दूँ, फिर कहूँ कि इस पे अब टैक्स डिडक्शन देंगे। जो धार्मिक होगा वो देश प्रेमी होगा, जो नहीं होगा देशद्रोही होगा, जो गलत हो गया। घर तक जब तक सीमित है तब तक रहने दीजिए धर्म को। धर्म का धंधा ठीक नहीं है, ये गलत हो जाता है। अब दो तीन चीज़ें डिकोड कर दूं। आयुष्मान भारत योजना आपने कही, आयुष्मान भारत क्या है? सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर, प्राइमरी केयर नहीं। इसके लिए आपको 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा, तो ये कहाँ जाएगा मरीज? प्राइवेट अस्पताल में। इसको एंट्री मैनेजमेंट तक तो ठीक है, क्यों? उसका फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा ये हुआ है कि पहले जितना आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर था इससे 2/3 कम हो गया है, तो लोग उससे इलाज करा रहे हैं। लेकिन ये एंट्री मैनेजमेंट क्यों मैं कह रहा हूँ, 5 से 6 साल का पीरियड आप सपोर्ट करते, इस बीच गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर को इम्पावर कर लेते। अभी गवर्नमेंट का इंश्योरेंस का पैसा, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस पैसा प्राइवेट हेल्थ केयर के पास जा रहा है, ये इसमें गड़बड़ी है। सेकेंडरी टर्सरी हेल्थ केयर के मरीज को बड़े शहर में आना है तो क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसमें इंक्लूडेड है? नहीं है। रहने का खर्चा इंक्लूडेड है? नहीं है। तो यही लूपहोल्स की हम बात कर रहे हैं जी। उसके बाद इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, मॉनिटर कौन कर रहा है कि क्वालिटी ट्रीटमेंट हुआ, पैसा बेवजह बिल तो नहीं बना? आईएएस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट, दे डोंट नो मेडिकल साइंस। कोई क्या डॉक्टर की टीम है आयुष्मान भारत को रेगुलेट करने के लिए? नहीं है। तो फिर इसमें जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में घपला हुआ था, इसमें भी घपला हो जाएगा जी। तो हमें मॉनिटर, जैसे मैंने बोला, साइंस के तरफ से करना चाहिए, वही जरूरी। यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि क्या सही मुद्दों पर बात हो रही है, क्या उस पर आवाज उठाई भी जा रही है, कुछ पे आप सवाल पूछ सकते हैं? हाँ नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम हो रही है, सिर्फ उन मुद्दों पे हो रही है जो पब्लिक को थोड़ा सा स्टिमुलेट करते हैं, उन मुद्दों पर ज़्यादा बात हो रही है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं जिनके ऊपर बात नहीं हो रही है। और यहाँ मैं यही एक सरकार से यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगी, हालांकि बहुत सारी चीज़ें हो भी नहीं है, कि इन मुद्दों पर अगर खामोश हम रहे तो पहल कौन करेगा और इस उजड़े चमन में फेरबदल कौन करेगा? और अगर सवालों के चक्कर में पड़े रहे जो हम, तो उत्तर की समस्या को हल कौन करेगा? तो बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ एक दूसरे पर आक्षेप ना करें कि उस सरकार ने कोई बात नहीं की या इसने नहीं की। जो भी ज़रूरी है उसकी पहल हम खुद करें, हम करें और हम देखें कि उसमें हम एक्चुअल में कितना एग्जीक्यूट कर पाते हैं और उसके कितने, उससे कितने चेंजेस ला पाए। मकसद यही है कि सही चीज़ सही लोगों तक पहुँचे, इसी वजह से ये हम यहाँ पर सवाल जो हैं उठा रहे हैं। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी क्योंकि प्रोग्राम को समाप्त करने का समय आ गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन की हम बात करेंगे, कितने बेहतरीन डॉक्टर हेल्थ मिनिस्टर बने, यूनियन मतलब कहाँ कहाँ उन्होंने बहुत अच्छे से किया। तो आपको क्या नहीं लगता कि और डॉक्टर्स हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन देखिए उसके लिए पब्लिक और जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसको रियलाइज करना होगा कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो आपसे नहीं चल पाएगा। तो जीते हुए वैसे ही लोग आएं, डॉक्टर हो, क्रेडिबल डॉक्टर हो, जिसकी लाइफ की हिस्ट्री निकालो कम से कम अनएथिकल काम नहीं किया हो, पहला।
दूसरा लॉ लीगल में प्रॉपर जज हो या प्रॉपर एडवोकेट हो जिसका भी क्रेडिबल सिस्टम हो जी, और फाइनेंस जी, तीन में आप इसको करिए। और अगर आगे कहिएगा तो मैं कहूंगा पुलिस फोर्स और आर्मी फोर्स जी, इसको भी लाइए जिसमें सुरक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा एक्सपर्ट के हाथ दीजिए, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू दे या सेंट्रलाइज मेडिकल सर्विस करें जी, IMS इंडियन मेडिकल सर्विस, उससे चुनके ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर को बनाए, देखिए चेंज हो जाए जी। मैं जल्दी से एक बार जरूर बोलना चाहूंगी कि क्यों, कहां लगता है आपको कि सही मुद्दों पर बात नहीं होती है, सभी जगह सभी मुद्दों पर बात होती है। मैं अगर भारत विकसित हो रहा है, अगर आपको अपने चारों तरफ विकास दिखाई दे रहा है, अगर आपको दिख रहा है कि लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो रही है, हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, तो कहाँ सही मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, बिल्कुल सही मुद्दों पर। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या सही मुद्दों पर बात हो रही है, किसी को लगता है हो रही है, किसी को लगता है नहीं हो रही है। सही मुद्दों पर मैं यहाँ पे पूछना चाह रही हूँ, डॉक्टर्स क्यों नहीं आते हैं पॉलिटिक्स में? देखिए, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स पॉलिटिक्स में नहीं आते हैं, एक्चुअली जितना भी इंटेलेक्चुअल तबका हो क्या उनको आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं राज्यसभा में वो लोग होते हैं, है ना, और उनको कई बार नॉमिनेट भी किया जाता है। अभी हमारे सामने एक एग्जांपल अब्दुल कलाम जी का सबसे बड़ा है। अभी अगर हम डॉक्टर अश्विनी वाशने को देखें जी, तो कितने इंटेलेक्चुअल पर्सन जो अभी हमारे रेल मंत्री हैं जी, मेडिको नहीं कह रही मैं, इंटेलेक्चुअल तबका, इंटेलेक्चुअल टॉकिंग अबाउट यूनानी को GST से फ्री रखा है, पर आपको पता है साइकोलॉजिस्ट GST से फ्री नहीं है। बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट काम कर रही है तो गवर्नमेंट को ये बारे में सोचना चाहिए कि साइकोलॉजिस्ट को भी GST से फ्री रखना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट सोशल सर्विसेज का काम करते हैं, बट उसके बाद भी उनको GST देना पड़ता है। तो मुझे नहीं लग रहा कि अगर सरकार काम कर रही है तो इन मुद्दों पर काम करे, ये बहुत जरूरी है। और अगर नहीं ऐड किया है तो मुझे लगता है आने वाले समय में अगले बजट्स में वो इन मुद्दों के बारे में सोचे। चलिए, बिल्कुल यहाँ पर कही है जी, बिल्कुल आप बताइए कि डॉक्टर्स को आना चाहिए पॉलिटिक्स में, क्यों नहीं आते हैं? वो इसलिए नहीं आते क्योंकि उनको पॉलिटिक्स करनी नहीं आती है, इसीलिए नहीं आते क्योंकि पॉलिटिक्स करने के लिए बहुत अलग ही टैलेंट चाहिए। डॉक्टर्स से है अपने स्टूडियस, अपने काम से ऑनेस्टी से काम करते हैं, ठीक है, उनको इन चीज़ों से मतलब नहीं है, इसी वजह से वो पॉलिटिक्स में नहीं आते हैं। तो बाकी हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम लोगों का विश्वास है कि जो पॉलिटिक्स में है वो हमारे लिए काम करे, ताकि हम लोगों को आपके जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारी जनता है, उनके लिए हम काम करें। बिल्कुल, तो यहाँ पर बोल भारत बोल में हमने आज डॉक्टर्स के बीच आके जानने की कोशिश की है कि उनको क्या लगता है कि क्या चल रहा है पॉलिसीज़ में, क्या चल रहा है राजनीति में, क्या चल रहा है। और यहाँ पर कई मुद्दों पर बात हुई, कहीं ना कहीं लोग समझें, पॉलिसीज़ को समझें, हर चीज़ को समझें और उसके बाद ही अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करें। तो हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।